इस वीडियो के अंदर जो इंडियन स्टाइल के अंदर जो सिंपल सा किचन प्लेटफॉर्म बनता है वो देखने को मिलेगा। सबसे पहले इसको फ्लोरिंग से स्टार्ट करता हूँ मैं। यहाँ फ्लोरिंग में इसमें ग्रेनाइट की पट्टी लगा रखी है, एक जो किचन के नीचे ओटली बनाते हैं तो वो ओटली के नीचे जो ग्रेनाइट की पट्टी लगाते हैं वो लगाई हुई है यहाँ पे एक 3 इंच की, जिसको आप राउंड मोल्डिंग करके फिटिंग किया हुआ है, जिसका पैर के लगते यूज करते समय पैर को लगने का चांस नहीं रहता, यहाँ पे देख सकते हैं। और फ्लोरिंग में इसमें 32 इंच बाय 32 इंच का टाइल्स लिया हुआ डबल चार्ज का, और ये हाफ राउंड मोल्डिंग करके पूरा 18 mm जो फ्लोरिंग की टाइल है, ये फ्लोरिंग की टाइल से 18 mm ऊपर लेके फिटिंग किया हुआ है वो टाइल्स को, अंदर की जो टाइल्स है उसको, जिससे इसका पानी अगर यूज़ करते हैं नीचे फ्लोरिंग में तो वो पानी अंदर नहीं जाता। और ये एल शेप में पूरी पट्टी ली हुई यहाँ पे। और अभी आ जाता है यहाँ पे फिर नीचे कड़ापे स्टोन के सेल, यहाँ आउटलेट आ गया इसका, जो बेसिंग के नीचे आउटलेट रहता है वो आउटलेट आ गया यहाँ पे। और फिर आ जाता है यहाँ पे इसमें सेल, ये सेल्फ डाल दिया यहाँ पे, जो फर्नीचर नहीं बना सकते हैं तो ये सा सेल्फ डाल सकते हैं आप, कड़ापा स्टोन का या ग्रेनाइट का डाल सकते हैं। और यहाँ कॉर्नर में सिलेंडर की जगह आ गई, उसके बाद में इधर और यहाँ पे एक सेल्फ डाल दिया है जो 5 फुट के आसपास ही सेल्फ डाल दिया है यहाँ पे, एक सेंटर में डाल दिया इसको, जो हाइट रहती है 32 इंच तो उसकी सेंटर में डाल दिया है। और उसके बाद में इसमें ऊपर से अगर स्टार्ट करते हैं तो फ्लोरिंग से पहले इसकी 32 इंच हाइट ली हुई है, और सामने से फिर इसको एक 2 इंच की जो रेडीमेड पट्टी आती है मार्बल की वो डाल दिया इसमें, ये रेडीमेड की पट्टी डाल दिया इसके अंदर। इसमें अलग अलग डिजाइन आती है और ये करीब 130 रुपये का एक नग मिलता है। और उसके बाद में इसका पूरा एल शेप में ये फिटिंग कर दिया, उसके ऊपर फिर एक वाइट पट्टी लेके और बीच में 2 सूत का वाइट पट्टी जो रेडीमेड आता है आर्टिफिशियल का वो लेके इसमें फिटिंग किया हुआ है। ये सामने का डिज़ाइन हो गया, इसमें बहुत सी अलग अलग कलर्स की डिज़ाइन डाल सकते हैं, अलग अलग डिज़ाइन, इसकी बहुत सी वीडियो हैं जो देख सकते हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर या फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं राम कॉन्ट्रैक्टिंग सर्च करके। और इसकी अगर फ़ोटो चाहिए आपको तो गूगल मैप सर्च कीजिए राम कॉन्ट्रैक्टिंग, वहाँ पर मिल जाएंगे आपको इसकी फ़ोटो। और उसके बाद में इसमें ऊपर से अगर बात करते हैं इसकी वाटर पट्टी की, तो ये कुछ 1.5 इंच की पट्टी ली हुई है यहाँ पे देख सकते हैं, ये 1.5 इंच की पट्टी है, जो अंदर का टॉप है वो टॉप से इसको 18 mm ऊपर लेके बाद में फिटिंग की हुई है। ये 1.5 इंच की पट्टी लग गई इसको पूरी। और ये ब्लैक पल जो ग्रेनाइट आता है वो ग्रेनाइट है, जो सादा पुलिस का ग्रेनाइट आता है वो ग्रेनाइट लगाया हुआ है इसके अंदर। इसकी अगर प्राइस की बात करेंगे तो ये 80 रुपये से स्टार्ट होता है, जो आपको 130 रुपये तक मिल जाता है। इसमें सादा पुलिस का अगर ग्रेनाइट लेते हैं तो 80, 90, 100 रुपये तक मिल जाता है। इसमें लाइन पुलिस का अगर ग्रेनाइट लेते हैं तो वो आपको मिल जाता है 120, 130 रुपये के आसपास, जिसकी अच्छी पॉलिश फिनिशिंग अच्छी रहती है उसकी। और ये टॉप की चौड़ाई की अगर बात करेंगे तो ये चौड़ाई इसकी 27 इंच 28 इंच के आसपास लिया हुआ है इसकी। और ये एक फिर इसके अंदर 3 इंच की पट्टी ली हुई है टाइल्स के नीचे, चैम्पर मार के चैम्पर इसका पूरा भार लिया हुआ है, ये यूँ टाइप में लिया हुआ है, ये पट्टी जो देख रहे हैं पट्टी यूँ टाइप में ली हुई पूरी, और टाइल्स भी वैसा ही सेम लिया हुआ है इसके अंदर। और यहाँ कॉर्नर में इसमें पूरा वो आ गया है सिलेंडर का पाइप का होल, और फिर इधर से पूरी कम्प्लीट यहाँ बेसिंग का पॉइंट आ गया है, ये बेसिंग के 2 नल हैं इसमें। और उसके बाद में यहाँ पर इसके अंदर स्टील सिंक आ गया है, 21 इंच बाय 18 इंच का ये स्टील सिंक है। इसकी अगर अंदर की डीप की बात करेंगे तो अंदर की डीप है इसकी 8 इंच, और इसकी अगर प्राइस की बात करेंगे तो ये प्राइस में आपको 800 रुपये से स्टार्ट होता है, इसमें जो लाइट का आता है और बाद में इसमें मीडियम और बाद में हैवी और उसके बाद में आता है 1 mm, ऐसे अलग अलग इनकी प्राइस रहती है, जिसकी क्वालिटी भी अच्छी रहती है 1 mm का अगर लेते हैं तो, और उसकी वारंटी भी रहती है 5 साल के आसपास उसकी वारंटी रहती है। और फिर आ जाता है यहाँ पर इसमें साइड स्टैंड, इसको साइड पर्दा भी बोलते हैं, इसमें भी वही सेम वाइट पट्टी दे दिया है और एच टाइप में सिंपल सा इसको कटिंग करके फिटिंग किया हुआ है, ये सिंपल सा इसमें डिजाइन मैच कर दिया है पूरा, और बाद में इसको धार पॉलिश कर दिया है 4 फुट हाइट तक लिया हुआ है इसको। और इसकी अगर चौड़ाई की बात करें तो ये 25 इंच के आसपास इसकी चौड़ाई है टॉप की, ये पूरा नीचे तक इसमें वाइट पट्टी दे दिया है। और अभी देखते हैं इसके ऊपर की टाइल्स जो 12 इंच बाय 18 इंच की जाए, जो ग्लोसी पॉलिश टाइल है, ये विंडो की जो ऊपर का टॉप लेवल रहता है वो टॉप लेवल तक इसमें फिटिंग की हुई है, ये हाइलाइटर है इसके, सतवारियो टाइप जो टाइल्स आती है वो टाइल का डिजाइन इसके अंदर, ये सामने का वाल हो गया इसके अंदर।
और ये अगर वॉल की लंबाई की बात करेंगे तो ये 7 से 7.5 फुट के आसपास इसकी लंबाई है। ये ऊपर कॉर्नर में इसमें एक ले लिया और बाद में इसमें साइड से विंडो आ जाता है एक, जो 6x3 का विंडो है। विंडो में भी सेम वैसा ही पत्थर लिया हुआ है इसमें ग्रेनाइट, इसको वाइट पट्टी बीच में देके फिटिंग किया हुआ है, डबल पट्टी में लिया हुआ है। यह ऐसा अगर फिटिंग करवाते हैं तो 200 से 250 रुपये आपको रनिंग फुट चार्ज लगता है इसका, जिसमें पॉलिश फिटिंग और वाइट पट्टी फिटिंग सभी आ जाता है उसके अंदर। ऐसा अगर फिटिंग करवाते हैं आप विंडो में या फिर डोर में तो पूरा चार्ज आ जाता है उसका। और यहाँ पे देख सकते हैं पूरा प्लेन, इसमें एक वाल में लिया हुआ है जो हाईलाइटर है वो एक ही वाल में फिटिंग किया हुआ है, 3 हाईलाइटर लिए हैं टोटल। जितना कम इसमें हाईलाइटर लेते हैं उतना अच्छा लगता है, कभी भी लुक ज़्यादा आ जाता है उसका प्लेन टाइल का। और ये 6 फुट के आसपास पत्थर है, 6x7 का किचन है कंप्लीट, ऐसा इसका पूरा बजट है। और इसका अगर पूरा बजट की अगर बात करें तो ये 35 से 40 हज़ार रुपये के आसपास इसका कॉस्ट जाएगा, जिसमें टाइल, कड़ापा स्टोन और ग्रेनाइट, ग्रेनाइट के सामने फिर ये वाटर पट्टी जो रहती है वो वाइट पट्टी और मार्बल की डिजाइन पट्टी और बाद में स्टील सीन और जो इसको लिक्विड लगता है केमिकल सभी आ जाते हैं उसके अंदर। और एक इसमें अभी स्टोर रूम और बता देता हूँ आपको, स्टोर जो ग्रेनाइट की रैक बोलते हैं वो भी बनाई हुई है इसके अंदर। इसका फिटिंग चार्ज रहता है 600 रुपये रनिंग फुट, जिसका ऐसा अगर डिजाइन में बनाते हैं तो 600 रुपये रनिंग फुट चार्ज लगता है इस किचन का, जिसमें पूरा फिटिंग आ जाता है इसका। और लंबाई का मेजरमेंट रहता है इसका, जैसे लंबा टॉप ये हो गया 7 फुट और उसके बाद में 6 फुट का ये हो गया और 4 फुट का इसमें साइड पत्थर हो गया, ऐसे इसका लंबाई का मेजरमेंट लगता है, जिसमें पूरा फिटिंग और मोल्डिंग पॉलिश सभी आ जाता है। और यहाँ पे है अभी इसके अंदर एक कड़ापा स्टोन का रेक जो सिंपल सा फिटिंग किया हुआ है, 12 इंची चौड़ाई है इसकी और ऐसे लंबाई में 6 फुट है, 3-3 फुट के 2 पत्थर लिए हैं इसमें, आड़े में इसमें 4 पत्थर लिए हैं और ऊपर का जो छज्जा रहता है वो छज्जे लेवल तक इसमें बनाई हुई है रेक। साथ ही में ये किचन पूरा किचन रूम का भी आईडी ले सकते हैं, इसमें फ्लोरिंग में 32 इंच x 32 इंच का जो टाइल्स आता है डबल चार्ज वो फिटिंग किया हुआ है वाइट कलर का। और ऐसा अगर रेक का फिटिंग करवाते हैं तो इसका लेबर कॉस्ट जाता है आपको 50 रुपये स्क्वायर फुट। इसका अगर थार पुलिस करवा के फिटिंग करवाते हैं तो 70 से 80 रुपये इसका चार्ज लगता है, और सादा में अगर फिटिंग करवाते हैं तो आपको गिरेगा इसका 50 रुपये स्क्वायर फुट चार्ज लगता है। इसको ग्रेनाइट में भी बना सकते हैं और कड़ापा स्टोन में बना सकते हैं, और कोटा स्टोन आता है उसमें फिटिंग कर सकते हैं इसको। इसकी कड़ापा स्टोन की अगर प्राइस की बात करें तो ये डबल पॉलिश और सिंगल पॉलिश में आता है, तो वो आपको 35 रुपये मिलता है जो सिंगल पॉलिश का रहता है, और डबल पॉलिश का लेते हैं तो 45 रुपये के आसपास उसकी प्राइस रहती है। और सामने फिर यहाँ पे आ गया इसका हॉल, हॉल के अंदर भी ये फ्रेम लगाई हुई, फ्रेम सिंगल पत्थर में फिटिंग की हुई और हॉल के अंदर 2x4 की टाइल्स ली हुई इसके अंदर, डिजिटल सत्वारियों टाइप जो टाइल्स आती है वो फिटिंग की इसके अंदर। 4 इंच का इस कटिंग लिया हुआ इसमें कंप्लीट। और इधर से भरी इसके अंदर टॉयलेट बाथरूम की तरफ जाने का एरिया है यहाँ से। इनके भी पर्सनल वीडियो हैं टॉयलेट बाथरूम के, वो चेक कर सकते हैं। और ये वाइट पट्टी के अंदर ही पूरा दरवाजा फिटिंग किया हुआ है।